गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स का एक नई सीरीज शुरू हुआ है और जिसका नाम है मैथ्स लेक्चर वाइज, है ना। जैसा कि इसके पहले कहीं ना कहीं सेशन आता रहता है आपका, लेकिन ये जो है पहली बार इजी टू हार्ड, यहाँ पर यही लेवल याद रखकर चलेंगे हम लोग। इजी से शुरू करेंगे और हार्ड से हार्ड अल्टीमेटली एडवांस लेवल तक चलना है। क्लियर है? यहाँ पर लेक्चर वाइज है और ये है आपका पहला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर वन। और इस लेक्चर नंबर वन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्क्वायर। देखो सिंपल सा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर प्रकार के मैथ्स में मिल जाता है। क्लियर है? हर प्रकार के मैथ्स में मिल जाता है, मतलब हर क्लास की मैथ्स में वर्ग की आवश्यकता रहती है। क्लियर है? अब कैसे क्या होता है इस चीज को समझना है। तो देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, क्या होता है, जैसे कोई संख्या, मैंने मान लिया संख्या ए, किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, किसी संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये प्रोसेस वर्ग करना कहलाता है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? वर्ग करना कहलाता है। अगर हम पूछें ए का वर्ग क्या होगा तो आपको बताना होगा ए स्क्वायर। तो वर्ग का जो सिंबल होता है ये होल वर्ग होता है, है ना। इसको आप होल वर्ग बोल दो या होल स्क्वायर बोल दो, मतलब चाहे पूर्ण वर्ग बोलो चाहे आप होल स्क्वायर बोलो। क्लियर है ना? अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पावर में दो लगा रहे तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना है। दो है तो दो बार बीच में मल्टीप्लाई लगा, या हटाओ कुछ देर इसको हटा। किसी संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी संख्या के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो घात एक मानी जाती है। यहां घात एक पावर एक, यहां घात एक, एक एक मिलकर क्या हो जाता है? दो हो जाता है। तो मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग करना कहलाता है। और वर्ग करना यानी कि स्क्वायर के प्रोसेस में जनरली हम घात दो की बात करते हैं, किसी संख्या के घात दो की बात करते हैं। इसकी घात तीन चार पांच यानी घातांक में पूरा आप पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक उठाया है और वो है वर्ग। जैसे ये बड़ा कमाल का टॉपिक होता है, जैसे मैं कह दूं भैया मान लो मेरे पास 55 रुपया है, तो बताओ 55 रुपया है और जब मैं दिल्ली गया था तो वहां पर मैंने 55 रुपए का 55 गुना कमा लिया। मेरे पास कितना रुपया था? 55 रुपये था और जब मैं दिल्ली गया तो वहां पर मैंने क्या कितना रुपये कमा लिया? 55 रुपये का 55 गुना कमा लिया। अब बताओ, तो 55 गुना यानी कि तुरंत स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब 55 गुणे 55 यानी कि बिना पेन उठाए आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, 55 का 55 गुना क्या होगा, है ना। तो एक तो ये है कि गुणा करने लगते हैं लोग कि 55 गुणे 55 इस तरह से 55 मल्टीप्लाई 55, नहीं ये नहीं करना। क्लियर है? इसका मतलब आपने कहा, इसका मतलब होगा स्क्वायर दो है तो इसका मतलब क्या होगा, 55 का स्क्वायर या होल स्क्वायर, स्क्वायर आप 55 या 55 का वर्ग। अब ऐसे संख्या का वर्ग निकालने के लिए जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में 5 हो, ऐसे संख्या का वर्ग निकालने के लिए जिसके लास्ट में 5 हो तो उसके आंसर में डायरेक्ट 25 रहेगा, ये फिक्स है। और
उसके पहले यानी कि दहाई टेंस के प्लेस पर अगर पांच है तो छह से गुणा कर देना है, छह है तो सात से गुणा कर देना है, सात है तो आठ से, आठ है तो नौ से। तो यहाँ पांच है तो हम गुणा किससे कर देंगे, छह से, पांच छत्तीस, तुरंत आप डायरेक्ट बता सकते हैं। समझ में आया? मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके लास्ट में क्या हो, पांच। तो जिसके लास्ट में पांच हो मतलब वहां पच्चीस लास्ट में रहेगा, लेकिन उसके पहले यानी कि दहाई वाला अंक अगर छह है तो एक ज्यादा करके आपस में गुणा कराना, छह है तो सात से, सात है तो आठ से, आठ है तो नौ से। जैसे मैं कह दूं 75 यानी कि 75 का स्क्वायर बताओ, तो आपको होगी यहाँ पर सात है तो किससे गुणा कराना है, नहीं नहीं सात है तो किससे गुणा कराएंगे, आठ से, तो सात अठे 56 और आगे 25 तो रहेगा ही क्योंकि ये पांच वाला है। और अभी समझ में आया, ये तो आपको स्क्वायर करना आ गया, लेकिन स्क्वायर करने में कम से कम आपको 30 तक याद रहना चाहिए, कम से कम 30 तक आपको फटाक से जल्दी जल्दी याद करना, मतलब ऐसे याद रहना चाहिए कि कोई पूछे फटाक से बता दो, तो 30 तक एक बार देखते। अच्छा ये समझ में आया, क्लियर है? तो एक मैं पूछूं, आप बताओगे भैया, आप बताइए, अगर मैं कह दूं 85 का स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा, वेरी गुड, 7225, ये एकदम हलवा है, ये समझ लो इससे आसान नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया भैया, ये मैथ्स लेक्चर वाइज है, इजी टू हार्ड। अभी हम लोग कहां पर चल रहे हैं, इजी, लेकिन इजी पीजी हर समय नहीं रहेगा, अभी हार्ड पार्ट भी आएगा, क्लियर है ना, हार्ड पार्ट भी आएगा। तो देखो इतना तो सबको समझ में आ गया है ना भैया, सिंपल सा करना है, 85 स्क्वायर का मतलब 85 गुड़े 85 चाहिए, बोलो चाहिए बोलो, और 8 है तो 9 से गुणा कर दो। समझ में आया बच्चा? अब दूसरा क्या करना है, आपको 30 तक याद रहना चाहिए, सब लोग बताओगे? देखते हैं, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 के 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 त्रिका 9, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौ 16, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25, और 6 का स्क्वायर का मतलब 36, और 7 का स्क्वायर का मतलब 50, और 8 का स्क्वायर का मतलब 8 टाइम 64, और 9 का स्क्वायर का मतलब 9 89, और 10 का स्क्वायर का मतलब 10 दाम में 100। इतना तो सबको आता ही है, कहानी तो अब शुरू होगी। 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गहराइयां 121, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 भरैया 144, और 13 का स्क्वायर का मतलब 13 भरैया 169, और 14 का स्क्वायर बराबर 14 14 196, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 15 15 जा 220, और 16 का स्क्वायर का मतलब 16 सोलह 256, हार्ट में चल रहे हैं हम लोग का लेवल चल रहा है 256, और 17 का स्क्वायर का मतलब 17 सत्रह 289, और 18 का स्क्वायर का मतलब 18 324, और 19 का स्क्वायर का मतलब 19 361, और 20 का स्क्वायर का मतलब 20 400। बताओ समझ में आया? आगे भैया एक लेवल और बढ़ाते हैं, एक लेवल और बढ़ाते हैं, आओ बताओ 21 का स्क्वायर का मतलब 21 441, 22 स्क्वायर का मतलब 22 484, और 23 का स्क्वायर का मतलब 523, ये 30 तक याद रहना चाहिए सब, है ना? हाँ 24 का स्क्वायर बराबर 524, 576 क्या होगा 576,
और 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 और 26 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 676। 27 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 729। और 28 का स्क्वायर बराबर 784। और 29 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 841। और 30 का स्क्वायर बराबर, लेवल और बढ़ाया जाए नहीं, अभी पहले 30 तक सुनो, सबको 30 तक अच्छे से याद रहना चाहिए, क्लियर है, 30 तक तो याद ही रहना चाहिए, कि कोई पूछे 30 का स्क्वायर सोचो मत, तुरंत बताओ 529 है ना। मैंने पहला एक मैंने बता दिया, अभी ये इजी वाले में है ना, लेकिन इसके बाद का जो लेक्चर होगा हार्ड में जाएगा, फिर सारी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अभी पहले आप इंटरेस्ट बनाओ, छोटा छोटा करते हैं, जितना करते हो उतना अच्छे से कवर करते हो जाते, एक बार सारा रिवीजन करेंगे, सबको बोलना है बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होगा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग करना कहलाता है, क्लियर है। अच्छा वर्ग करने में क्या पांच वाला तरीका तो पता चल गया, तुरंत बताओ 35 का स्क्वायर 1225, 35 है तो 4 है और इधर 3 है, तो 3 को किससे गुणा करो, 4 से 3 चौका 35 का स्क्वायर 12, 25, 45 का स्क्वायर 20, 25, 55 का स्क्वायर 30, 25। अच्छा आगे बता दो 65 का स्क्वायर 42, 25। ये आ गया ना सबको, चलो एक बार ये बताओ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर अब आ रहे हैं हार्ड में, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, सब लोग एक साथ में बोलो, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, आगे बताओ 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 28 का 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का, क्लियर है ना, ये सारा याद है, इसे याद कर लो, लेक्चर 1 पढ़ाया गया ना, फिर लेक्चर 1 का टेस्ट होगा और सबका रिकॉर्ड रहेगा वो, है ना, कि हाँ लेक्चर 1 में 10 में से किसने कितना नंबर पाया है, फिर लेक्चर 2 पढ़ाया जाएगा, फिर उसका टेस्ट होगा, है ना, फिर वहाँ पूरा रिकॉर्ड चलेगा, ये हर दूसरे दिन टेस्ट ही होगा, क्योंकि जरूरी है जो भी पढ़ोगी एक रिकॉर्ड तो रहेगा, है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखना, ये पहला एकदम अच्छे से तैयार करना है।